हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अपडेट है कि हमारा इंटरनेट ख़त्म हो चुका है और बेसिकली जब हम यहाँ पे रह रहे थे तो पिछले टेनेंट जो था उनका वाईफाई चल रहा था, तो अब हमें न्यू वाईफाई चाहिए और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे असाइनमेंट्स और मेरी स्टडीज़ भी है। मैं 2 दिन से अपने मोबाइल डेटा भी यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आज लाइब्रेरी चलते हैं। और मेरा बहुत टाइम से मन था ब्रिटिश लाइब्रेरी जाने का, तो अच्छा मौका भी मिल गया। बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करी थी कौन जाएगा उठ के, बट अब तो जाना ही पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू ब्रिटिश लाइब्रेरी, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने अपने पिंटरेस्ट पर डाल रखा था ब्रिटिश लाइब्रेरी, मुझे जाना है वहाँ पे पढ़ना है। इसमें मेरा लैपटॉप एंड स्टडी मटेरियल सब कुछ है। सो लेट्स गो। अरे भाई कितना सुंदर है, इसकी पीछे वाली बिल्डिंग इतनी ज्यादा सुंदर है। ये ओह नाइस। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट नो है, मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी। वाओ दिस फील्स सो सरियल, ओह माय गॉड। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पढ़ाई तो अच्छी हुई बट दिक्कत ये थी कि पूरा भरा हुआ था, पैक्ड। पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर मैं वहाँ पे एक कैफ़े था, कैफ़े में बैठ के मैंने काम किया। फिर क्योंकि नॉर्मल जगह मिल जहाँ पे लोग एक्चुअली में वर्क डेस्क होती है, वहाँ पे कोई वही नहीं थी, स्पेस ही नहीं थी। तो आई थिंक इसके लिए ज़्यादा सुबह आना पड़ेगा जबकि थोड़ा खाली हो। अभी तो बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ठंड है, मेरे हाथ फ्रीज हो चुके हैं। सो दिस वॉज अ सेकेंड डे एंड इसमें ऑडियो थोड़ी क्लियर नहीं थी, तो फिर मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मैंने सोचा था कि द नेक्स्ट डे मैं फिर से एक लाइब्रेरी जाऊँगी और एक्सप्लोर करूँगी। तो ये सारी जो मैं लाइब्रेरीज गई हूँ वो पब्लिक लाइब्रेरी है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस वॉज द सेकेंड लाइब्रेरी आई विजिटेड, इट्स कॉल्ड द बार्बिकन लाइब्रेरी। एंड ये जगह इतनी सुंदर थी, इसकी वाइब्स इतनी अच्छी थी। सो मुझे पर्सनली ये लाइब्रेरी ज़्यादा बेटर लगी देन द ब्रिटिश लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी की बस एक ही डिसएडवांटेज होती है कि ये ऑलवेज फुल होती है, तो फिर मुझे एक सी जुगाड़ पे कहीं बैठना पड़ा। और इस लाइब्रेरी में थोड़े एग्जिबिशंस भी थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, आप ऐसे घूमने भी आ सकते हो।